अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम सर। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम तो बताएं यार, आज यहाँ पे नाम अपीयर नहीं हो रहे। सर मैं हुदैरा हूँ। हुदैरा, हुदैरा वेलकम। कोई और भी है हमारे साथ? सर एक और स्टूडेंट भी है हमारे। अच्छा जी, कौन है और हमारे साथ? जी उमरा, उमरा कैसी हैं आप? आर यू फाइन? उमरा कैन यू हेयर मी? यस सर। गुड, आई थिंक योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इजंट इट? यस सर, यस सर। ओके जी, कम एट पेज नंबर 279 जी, 279 थर्ड पैराग्राफ जी जी, फ्रॉम एंटोनियो एंड सेनियो, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सो हु विल रीड? परेरा, वुड यू लाइक टू रीड? यस सर। ओके जी, उमरा आपको आवाज आ रही है? यस सर जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आप जरा हमारे साथ रहिएगा और जहां पे यू स्टक एनीवेयर सो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। जी स्टार्ट करें जी फरेरा। एंटोनियो एंड बेसानियो वेंट टुगेदर टू शाइलॉक एंड एंटोनियो आस्क्ड ड्यू टू लेंड हिम 3000 डुकेट्स अपॉन एनी इंटरेस्ट ही शुड रिक्वायर टू बी पेड आउट ऑफ द मर्चेंडाइज contained in his ship at sea. On yes. this Shylock बस, okay, quite, quite. The sentence has completed. Now, वो दोनों चले गए Shylock के पास and Antonio demanded 3,000 ducats. ठीक है बच्चे, उसने वो मांगे and he said that you can take any interest. I mean, whatever you say, whatever you want to take the interest, we will give you. Just, we need 3,000 ducats right now. ठीक है? तो उसने फिर आगे कहा कि टू बी पेड आउट मीन योर मनी विल बी पेड आउट ऑफ द मर्चेंडाइज कंटेंड इन हिज शिप्स एट सी, कि जब सी में मेरी जो शिप्स हैं वो जब वापस आ जाएंगी तो वो उस सामान से मैं आपको पे कर दूंगा। क्लियर? जी क्लियर हो रहा? यस सर क्लियर है जी। आगे चलें। इफ आई कैन वंस कैच हिम ऑन दिस On this Shylock thought within himself, he thought in his mind, meaning he was making a plan to trap him. पहले वो हमने पीछे बात पढ़ी थी ना, that he wanted to take revenge. Yes, sir. जी चलें आगे। If I can once catch him on the hip, I will feed at ancient grudge कहते हैं, old को grudge कहते हैं, दुश्मनी को, कि वो जो पुरानी दुश्मनी है मेरी उसके साथ, तो उसका बदला मैं लूंगा अगर मैं एक दफा वो मेरे जाल में फंस जाए तो। चले ठीक है। I bear him, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बच्चे, उसने कहा कि जो चीजें मैं जो लान तान मैं बर्दाश्त करता रहा उसका बदला मैं लूंगा उससे। इफ आई कैच, इफ आई ट्रैप हिम। He hates our Jewish nation. जी, और वो जो एंटोनियो है ना, कहता है कि यार ये हमारे जेविश लास है ना, और हमारी जो नेशन है जेविश नेशन, उससे ये नफरत करता है। He lends out money gratis. I mean, he lends money without interest. अब बेटा देखिए, मैं आपको जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। एक शाइलॉक है, लेट मी चेंज द मार्कर, and the second is Antonio. मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अब ये जो Shylock है, he lends money on high interest. ये लोगों से सूद पर पैसे देता है, ठीक है? अब ये जो Antonio है, mean he lends money without any interest. अब लोग किसके पास जाएंगे? Antonio के पास। Antonio के पास जाएंगे, very good. अब जब वो एंटोनियो के पास जाएंगे तो इसका जो कारोबार है वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा, यस। गुड जी, आपको समझ आ गई। तो अब जाहिर सी बात है ये दुश्मनी है उसको,
kehta yaar ye logon ko na I mean without any interest he lends money so it will waste my trade my work theek hai yes sir challenge umra aapko samajh aa rahi hai yes sir ji chalen ji koi question hai bache to aap puch sakte hain abhi Yes sir, यहाँ पे लाइट गई हुई है ना तो मुझे नजर नहीं आ रहा बुक तो इसकी वजह से मैं इस तरह ही ले रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस कहाँ पे लाइट नहीं है इधर गांव में हूँ ना तो इसकी वजह से तो बुक को आप नहीं देख पा रही कैन यू सी द बुक नो सर तो वो जो मोबाइल आप यूज करते हैं उसमें टॉर्च भी होती है ना वो उसको ऑन कर लें यस सर मैं अभी कर रही हूं उसको हाँ उसको ऑन कर लेना तो फिर आपको दिखाई देगा जी हुरैरा चलें आगे सर यहां he lends out money gadgets and among the merchants he rails at me He rails at me and my well-earned bargains. कहता है वो जो मैं अपनी bargain करता हूँ, जो मेरा एक काम है, जो मेरा कारोबार है, जो मेरा business है, उसके ऊपर जो ना ये उसको criticize करता है. जैसे कि ना ये सूद लेना, हम सूद को क्या कहते हैं? हराम भाई, तुम हराम का खा रहे हो. तो ऐसी बातें करता है. तो इससे ना वो जो Shylock है, वो उससे नफरत करता है. यार ये मेरे कारोबार को बुरा भला क्यों कहता है ये? चले. Which he calls interest. हाँ, कहता है वो तो मेरा कारोबार है वो मेरा कारोबार है लेकिन एंटोनियो उसको इंटरेस्ट कहता है कहता है ये इंटरेस्ट लेता है इंटरेस्ट को उर्दू में कहते हैं रिश्वत और रिश्वत जो है ना ये हर रिलीजन में डेफिनेटली इट इज थॉट अ बैड प्रैक्टिस चले बी माय ट्राइब इफ आई फॉरगिव हिम एंटोनियो दोबारा पढ़े बच्चे दोबारा बोले दोबारा व्हिच ही कॉल्स इंटरेस्ट कर्स्ड बी माय ट्राइब कहता मेरी मेरे कबीले पर लानत हो मेरे कबीले पर कबीला जो है ना उसका उस पर लानत हो इफ आई फॉरगिव हिम अगर मैं उसको माफ कर दूं तो चल तो ये कसम उठा रहे हैं अपने अपनी ना कि यार मेरे जो है ना मेरे कबीले पर लानत हो उस पर कर्स हो अगर इफ आई फॉरगिव हिम जी ये बात तो सारे कह रहे ये बच्चे ये कह रहा है Shylock किसको कह रहा है पता है आपको दिल में कह रहा ना सर अपने दिल में यस मीन ही वाज थिंकिंग विद इन हिमसेल्फ ये अपने माइंड में ना वो सोच रहा है ठीक है सर चैलेंज फाइंडिंग ही वाज मिसिंग विद इन हिमसेल्फ एंटोनियो फाइंडिंग ही वाज म्यूजिंग विद इन हिमसेल्फ बेटा म्यूजिंग मीन थिंकिंग विद इन हिमसेल्फ जब देखता है कि यार वो खुद ही जो है ना वो अपने अंदर मसरूफ है कुछ सोच रहा है एंड डिड नॉट आंसर और अब हमें आंसर नहीं दे रहा कि हमने उससे पैसे मांगे हैं विल ही गिव और नॉट वो आंसर नहीं दे रहा एंड बीइंग इम्पेशेंट फॉर मनी सेड अब बेसब्री से बेसब्री वो इतना बेसब्र हो गया कि उसने पूछा एंटोनियो ने Shylock डू यू हेयर दैट वी हैव आस्क्ड यू फॉर 3000 डकेट्स क्या तुमने ये सुना हमारी बात को सुना तुमने Will you lend the money? क्या तुम हमें पैसे दोगे कि नहीं दोगे? To this question, the Jew replied. अब उसने वो reply करता है जी. Signor Antonio. बेटा signor कहते हैं दोस्त को. ओहो मेरा दोस्त, मेरा यार. देखे ना, mean he pretends to call him a friend. अब ये pretend क्यों कर रहा है? मुझे ये बताया ताकि उसको शक ना हो ना कि ये दो नंबर करेगा. हाँ कि ये कुछ जो है ना कुछ अपने दिमाग में सोच रहा है to take the revenge. ठीक है कहता है सिग्नर एंथोनियो ऑन द रियलिटी ऑफ मेनी अ टाइम एंड ऑफन यू हैव रेल्ड एट मी अबाउट माय मनीज एंड माय उशरीज कहता है तुमने जो मेरा कारोबार है जब हम रियलिटी पे मिलते तो तू जो है ना मेरी उस बार्गेन को उस कारोबार को तू बुरा भला कहता है वो जो मैं मनी कमाता हूं वो जो मैं पैसे अर्न करता हूं तू उनको इंटरेस्ट कहता है एंड आई हैव बोर्न इट विद द पेशेंट श्रग अब ये श्रग क्या होता है बेटा श्रग इज अ मूवमेंट ऑफ योर शोल्डर जैसे कि ना आप किसी को कहते हो यार आओ आज जो ना आज बाहर से खाना खाते हैं तो उसने जो है ना वो फिर मूव करता है अपनी फिंगर्स को अपनी शोल्डर को कहता है ओके या जब आप किसी चीज का नहीं पता होता व्हेन यू डोंट नो द आंसर आप ऐसे कहते हैं करते हैं ना मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन पे यस सर हाँ वो मीन आप ऐसे करते हो ना मीन यू जस्ट मूव योर शोल्डर यस सर टू शो अनसर्टेनिटी और टू शो दैट यू डोंट नो द आंसर
कि यार उसका आंसर क्या है ना, तो कहता है कि मैं बड़े ही जो ना सबरी के साथ उसको मैं बर्दाश्त करता रहा, फॉर सफरिंग इज द बैजेस ऑफ ऑल अवर ट्राइब। कहता है सफरिंग बेचे, यहां से मुराद है फॉरगिवनेस, कहता है माफी जो है ना वो हमारे कबीले का बैज है। बैज, बैज समझते हैं आप? बैज मतलब जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो एक बैज होता है, जैसे कि आप कॉलेज में जाते हो तो एक बैज होता है, वो बैज क्या होता है आपका? सर समझ गया, मतलब वो तो उसको आपकी मतलब आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी कि आप किस कॉलेज से किस स्कूल में पढ़ते हो आप। अब ये उसे कह रहा है कि ये जो माफी है ना, माफी ये हमारे कबीले की निशानी है, हम बड़े खुले दिल वाले हैं, हम माफ करने वाले हैं। एंड देन यू हैव कॉल्ड मी अनबिलीवर, और याद है तुझे, तू मुझे जो है ना कहता था काफर। ये एंटोनियो को ना सारी बातें याद दिला रहा है अब, कि याद कर तू मुझे काफर कहा करता था, कट थ्रॉट डॉग, और मुझे गला काटने वाला कुत्ता कहता था तू, डू यू रिमेम्बर? एंड स्पिट अपॉन माई जेविश गार्मेंट्स, और वो जो कपड़े मैंने पहने होते थे उस पर तू थूकता था, याद है तुझे? एंड स्पर्न्ड एट मी विद योर फुट, मीन अपने पांव से मुझे तू कंडेम करता था, मीन यू क्रिटिसाइज मी, तू मुझ पर लान तान करता था, याद है तुझे? एज इफ आई वर कर, जैसे कि मैं एक बाजारी कुत्ता हूं। Well then, it now appears you need my help. लेकिन अब तुम्हें जो है ना मेरी ज़रूरत है, and you come to me and say, Shylock, lend me money. अब तू मेरे पास आया है और तू कह रहा है कि Shylock, I need money. So has a dog money? क्या कुत्ते के पास पैसे होते हैं? बेटा बात समझ आ रही है आपको? Yes sir. अब वो अपनी सारी बातें याद करवा रहे हैं ना? हाँ, कहता है तू मुझे कुत्ता कहता था ना, तो अब कुत्ते के पास कहाँ से पैसे आए? क्या तू समझता है कि a dog does have a money? क्या कुत्ते के पास भी मनी होती है? Is it possible a cur should lend 3,000 ducats? क्या ये बाजारी कुत्ते के लिए है, के लिए पॉसिबल है कि वो तुम्हें 3,000 ducats दे? Shall I bend low and say, क्या मैं अपना सर झुकाऊं तुम्हारे सामने और कहूं तुम्हें? Fair sir, अच्छे अच्छे सर, you spit upon me on Wednesday last. कि आपने मुझे लास्ट वेनसडे को मुझ पर थूका था सर, याद है आपको? Another time you called me dog, और एक दफा तूने मुझे कुत्ता भी कहा था, याद है तुझे? And for those courtesies, और जो सारी तेरी मेहरबानियां हैं मुझ पर, I am to lend you monies, वो इसलिए थी कि मैं तुझे तेरी हेल्प करूंगा, तुझे पैसे दूंगा। So Antonio replied, अब Antonio ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है, I am as like to call you so again, कहता है मैं तो तुझे दोबारा भी कहूंगा जब भी तेरा मेरा सामना होगा। इवन देन आई विल से, आई विल रिपीट ऑल दोज एक्यूजेशंस। तो यहां पे देखे ना, यहां पे ना एक जो हीरो है ना, हीरो हीरोइक क्वालिटी है ये, है ना? यस सर। क्या मीन वो डर नहीं रहा उससे? वो अगेन उसको कह रहा है कि जब भी अगेन मैं आपको रियलिटी में मिलूंगा, I will repeat all those accuses. I will abuse you again. I will spit on you again. I will say you a dog again. I will call you a cur again. मैं ये सारी बातें दोबारा भी तुझे कहूंगा जब भी तेरा मेरा सामना होगा। तो to spit on you again and spurn you too. और मैं जो है ना तुझ पर थूकूंगा भी, और मैं तुझको condemn भी करूंगा, मीन तुझे criticize भी करूंगा तुम्हारी hard dealings की वजह से और तुम्हारे interest की वजह से। If you will lend me this money, अगर तू मुझे ये पैसे देता है, lend it not to me as to a friend, मुझे तू इसलिए पैसे ना दे कि मैं तेरा friend हूँ, but rather lend it to me as to an enemy, या ये समझ ले कि मैं तेरा दुश्मन हूँ और तू दुश्मन को उधार दे रहा है या उसकी help कर रहा है या पैसे दे रहा है। And if I break, कहता है अगर मैंने वो जो एग्रीमेंट होगा ना, पैसे जारी सी बात है, हम देते हैं जैसे कि आप बैंक में जाते हो, इफ यू नीड लोन, सो वो आपसे एक एग्रीमेंट पे साइन करवाते हैं। अब पता नहीं आप लोगों को ये चीज से आप लोग फैमिलियर हैं नहीं हैं, कुछ है आइडिया? यस सर जी। उमरा आपको आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है ना, तो मुझे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? जब आपको समझ नहीं आ रही, देन व्हाई यू डिडंट स्टॉप मी?
ऐसे तो फिर नहीं चलेगा ना, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, जहां पे आपको आवाज नहीं आ रही तो आप पूछे ना मुझसे, कहां से समझ नहीं आई आपको? सर बस थोड़ा सा ऊपर जो है ना, कहां से कुछ लाइन पढ़ो, ऐसे तो नहीं ना बच्चे, फिर वो ये होगा कि फिर आओ हम पढ़ लेंगे और आपने कुछ सीखेंगे नहीं, तो इट विल बी ऑल लॉस्ट, इट विल बी वेन व्हेन यू डोंट गेट द आइडिया, व्हेन यू डोंट गेट द स्टोरी। सर यहाँ पे जो हैज अ डॉग मनी है ना, यहाँ पे कहाँ से? अच्छा हैज अ डॉग मनी, यस सर। हाँ ये मीन मुझसे कह रहा है कि यार तू मुझे कुत्ता कहता है तो क्या कुत्ते के पास पैसे होते हैं, तो किस मुंह से मेरे पास आया है मुझसे मदद मांगने और मुझसे पैसे मांगने, बस यही बातें हो रही है वहां पे, ऐसा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है? okay, फिर एंटोनियो कहता है यार पैसे yes, देने हैं तो दे, तू मुझे ना अपना दुश्मन ही समझ के पैसे दे दे, अगर दोस्त नहीं समझता तो। सो अब हम चलेंगे आगे, इफ आई ब्रेक, अब मैं बात कर रहा था एग्रीमेंट की, मीन व्हेन यू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, सो आप देखेंगे कि आपसे ना वो एक एग्रीमेंट पे साइन करवाएंगे। सर वो कुछ चीजें रखते हैं आपके मतलब बेटा, डेफिनेटली वो कुछ गिरवी आपको रखवाना पड़ेगा या कुछ एक एग्रीमेंट पे साइन करवाना जो है ना करना पड़ेगा ना, तो अब उसकी बात कर रहा है, कहता है इफ आई ब्रेक द एग्रीमेंट, इफ आई विल नॉट बी एबल टू पे द मनी बैक ऑन अ फिक्स्ड डे, अगर मैं उस दिन पैसे वापस ना दे पाया तो यू मे विद बेटर फेस एग्जेक्ट द पेनल्टी, फिर तू जो सजा मुकर्रर करेगा, ये पेनल्टी कहते हैं पनिशमेंट को, तो जो आप सजा मुकर्रर करोगे तो वो सजा मुझे दे देना, क्लियर? यस सर। नहीं समझ आई? समझ गया हूं सर। यस सर समझ आ गई। ठीक है बच्चे आगे चलते हैं जी, व्हाइल लुक यू सेड शैलॉक हाउ यू स्टॉर्म, ओ भाई इतना गुस्सा क्यों करते हो, क्यों बड़क रहे हो भाई, क्या हुआ है? मीन यू आप तो मेरे दोस्त हो, आप थोड़ा सा मीन ही विल प्रिटेंड नाउ, मीन यू आर माय फ्रेंड, ही वांट्स टू टेक हिज ट्रस्ट, कि यार शैलॉक जो है ना बड़ा अच्छा आदमी है और उसको अपने ट्रैप में फंसा ले। अब देखिएगा जरा इसके डायलॉग, क्यों भड़क रहे हो, आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा एंड हैव योर लव और तुम्हारा प्यार हासिल करूंगा, आई विल फॉरगेट द शेम्स यू हैव पुट अपॉन मी, तुमने मुझे जो बुरा भला कहा, आई विल फॉरगेट ऑल दीज एक्यूजेशंस ऑल दीज अब्यूजेस, आई विल सप्लाई योर वांट्स एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर द मनी, कहता है मैं ठीक है मैं तुझे पैसे दे रहा हूं लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा। जी बच्चों कुछ बात हजम होती है? यस सर, मतलब इससे कुछ वो सोच की समझ के कुछ किया ना, मतलब वो बदला तो लेगा इससे हाल में। कहता है देखो ना एक मीन वो बंदा जो बड़ा सख्त है और अपना कारोबार है उसका, मीन ही सेइंग दैट आई विल प्रोवाइड यू योर डिमांड विदाउट एनी इंटरेस्ट, इज इट नॉट शॉकिंग, इट इज नॉट सरप्राइजिंग? यस सर। देखते हैं जी आगे फिर, सो दिस सीमिंग काइंड ऑफर जेंटली greatly surprised Antonio. Antonio भी हैरान कि यार इतना बड़ा जो है ना मकार आदमी कि जो एक रुपया भी किसी को बगैर इंटरेस्ट के ना दे, मुझे 3,000 ducats दे रहा है and without interest. अब ये बात उसको हजम नहीं हुई Antonio को. And then Shylock still pretending kindness. ये देखे ना pretend mean he showed artificiality. अब ये जो अपनी मेहरबानी शो कर रहा है ना, ये आर्टिफिशियल है, बनावटी है बेसिकली, अंदर से तो ये बदला लेने पर उतरा हुआ है, अंदर से ही वांट्स टू ट्रैप हिम। यस सर। एंड दैट ऑल ही डिड वाज टू गेन एंटोनियोस लव, ये सारी बातें कर रहा है ताकि एंटोनियो का लव हासिल करे और उसको अपने ट्रैप में फंसा सके। अगेन सेड ही वुड लेंड हिम द 3,000 ducats एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर हिज मनी, ओनली एंटोनियो शुड गो विद हिम टू अ लायर, बस सिर्फ तूने मेरे साथ जाना है एक वकील के पास, एंड देयर साइन इन मैरिज स्पॉट अ बॉन्ड, और एक बॉन्ड है एक एग्रीमेंट है उस पर तूने साइन करना है, दैट इफ ही डिड नॉट रिपे द मनी बाय अ सर्टेन डे, उस पर मैं शर्त ये लिखूंगा अगर तुम उस दिन मुझे मनी ना दे पाए, ही वुड फॉरफीट अ पाउंड ऑफ फ्लैश, मतलब फॉरफीट मींस टू गिव समथिंग एज अ पनिशमेंट, वो आपसे ना, ये कौन है जी, हुसैन, हुसैन भी हमारे साथ ऐड होना चाह रहे हैं, चलो तो कहां थे हम यार, वो बच्चा आया तुम बेटा, हम कहां थे जी सर, यहाँ
that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit. अच्छा, forfeit का बता रहा था आपको कि forfeit का मतलब क्या होता है? आपने as a punishment कुछ देना है. जैसे कि ना मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे शर्त लगाता हूँ या आप एक एग्रीमेंट पे साइन करता हूँ कि यार अगर मैं कॉलेज में टाइम पे ना पहुंचा तो आप मेरा बाइक ले लेना. तो वो जो बाइक मैं दूंगा ना आपको एज अ पनिशमेंट, उसको कहते हैं फोरफीट. सही है सर, ठीक हो गया. अब पाउंड ऑफ फ्लैश कहता है मैंने जो है ना आपका एक पाउंड फ्लैश लेना है. ये कितना होता है भाई? फ्लैश कहते हैं गोश्त को, कि तुम्हारे जिस्म से एक पाउंड गोश्त काटूंगा. ये होता है बच्चे तकरीबन 473 ग्राम्स, मीन हाफ केजी से थोड़ा सा कम. क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर. गुड. अच्छा, हमारे साथ और हसनैन भी है और चलें. ओके जी, आगे चलता हूं मैं. To be cut off from any part of his body that Shylock pleased. Mean he will cut one pound of flesh from where he wants. उसकी बॉडी से जहां से चाहेगा एक पाउंड गोश्त का टुकड़ा काट लेगा. If he will not be able to pay back the money on a certain day. Clear? Yes, sir. बेटा अब ये उसने शर्त रख दी कि यार मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बस अगर आपने वो एग्रीमेंट तोड़ा तो मैं आपके जिस्म से एक पाउंड गोश्त का टुकड़ा काटूंगा. जी आगे पढ़ें जरा आप हुरैरा. यस सर, पढ़ें आगे. कंटेंट 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 मींस बीइंग हैप्पी. कंटेंट सेड Antonio, I will sign to this bond and say there is. ठीक है, मैं उस वो जो agreement है, I am agree to sign on that bond. I will sign to this bond and say there is much kindness in this in the Jew. और मैं ये भी कहूँगा कि Jew बहुत मेहरबान है. Bassanio said Antonio should not sign to such a bond. For him. And कहते हैं भाई मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए की जरूरत नहीं है. We no need to sign over that bond. For me just. चले. And still Antonio insisted that he would sign it. लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि नहीं, मैं आपके लिए साइन करूंगा. मेरे दोस्त को मेरी मदद चाहिए और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. इवन के अपनी जान भी वो गिरवी रख रहा है वहां पे. Yes, sir. जी. For that, for the day of payment came, his ship would return laden with many times the value of the money. Shylock hearing जी, बड़ा समझा करें यहाँ पे. उसने कहा कि mean before the payment, my ships will be back and I will pay from that merchandise. यार उससे पहले जो है ना मैं उसको वो मेरी ships आ जाएंगी, so I will pay him. मैं उसको पैसे दे दूँगा जितने बनते हैं उसके. तो इसलिए Shylock sign करने में कोई हर्ज नहीं है. Shylock, hearing this debate, exclaimed, "Oh, Father Abraham, what suspicious people these Christians are!" और कहता है ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये कितने शकी हैं, ये कितने बुरे हैं अपनी डीलिंग्स में. ये जो है ना फादर इब्राहिम, ये ज्यूज जो है ना ज्यूज का कोई बड़ा है. जैसे कि हमारे इस्लाम में जो है ना हमारे लास्ट प्रॉफिट हैं हजरत मोहम्मद, ठीक है, जिस तरह क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट है हजरत ईसा अलैहि सलाम, इसी तरह जेविश लॉ में जो फादर इब्राहिम है ना ये भी बहुत बड़ा है. कहता है यार देखो ना, मीन ये लोग जो है इनकी आपस में ये कितने एक दूसरे पे शक करते हैं. चलें जी आगे. ओ अब्राहम, फादर अब्राहम, व्हाट सस्पिशियस पीपल दीस क्रिश्चियंस आर. देयर ओन हार्ट डीलिंग्स टीच देम टू सस्पेक्ट द थॉट्स ऑफ अदर. हाँ, कहता है ये खुद लोग जो है ना बड़े शकी हैं, तो ये खुद जब शकी हैं तो अब वो जो शक है ये उनको मजबूर करता है कि दूसरों के बारे में भी कुछ गलत राय कायम करें या कुछ गलत कहें. बात आ गया जी. I pray you tell me this, Bassanio, if he should break his day,
What should I gain by the exaction of the forfeiture? कहता यार बसानियो तुम मुझे ये तो बता कि अगर ये जो है ना सिर्फ अगर पैसे इसने ये ना दे पाया फॉर एग्जाम्पल तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार इसके जिस्म से मैं एक फ्लैश एक पाउंड जो है ना वो गोश्त ही तो काटूंगा इसमें एक बड़ी बात कौन सी है जरा शैलोक का एटीट्यूड देखें आप यार आप हाफ के जी गोश्त काट रहे हो जिंदा इंसान के जिस्म से ये आपके लिए इतनी जो है ना वो मामूली सी चीज है लेकिन शैलोक के लिए है अब देखें जरा आगे क्या उसको प्रूफ करेगा कैसे ये एक मामूली सी चीज है A pound of man's flesh taken from a man is not so estimable, nor profitable, neither as the flesh of mutton or of beef. हाँ कहता है कि बात सुने कहता है कि जिस तरह जो है ना वो बकरे का गोश्त है या जिस तरह जो है ना गाय का गोश्त है यार वो गोश्त हम बेच भी सकते हैं खा भी सकते हैं लेकिन अगर इंसान के गोश्त की बात करें तो वो तो ना तो खाने के काबिल है ना हम बेच सकते हैं सो इट मीन्स इट इज It is. It doesn't have any importance. Clear? Yes, sir. Yes, sir. अरे जिस तरह जो है ना आप बात कर रहे हैं पता नहीं आपको जो है ना नींद आई हुई है? Yes, sir. हुरैरा को नहीं. हुरैरा आपको नींद आई हुई है? No, sir. चलें. समझ आ गई आपको? Yes, sir. हाँ कहता है इंसान के गोश्त की तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई ना तो हम खा सकते हैं ना हम बेच सकते हैं So it is far inferior to the mutton and beef. उन गोश्त से जो ना ये तो कुछ भी नहीं है भाई ना तो मैं खा सकता हूँ ना मैं बेच सकता हूँ तो इसलिए कोई इतना इतनी बड़ी चीज नहीं है एक पाउंड गोश्त काटना चले I say to buy this his favor, offer his this friendship, if he will take it, so it not adieu. Adieu कहते हैं बाय बाय कहता है यार लेना है तो लो ये 3000 डकेट्स हैं ये बॉन्ड है अगर साइन करते हो तो ठीक है मैं देता हूं अदरवाइज मेरा टाइम वेस्ट ना करो मैं जा रहा हूं आडियू आडियू कहते हैं बच्चे बाय बाय को गुड बाय चलें एट लास्ट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ बेसानियो हु नॉट विद स्टैंडिंग ऑल द ज्यू हैड सेड ऑफ हिज काइंड इंटेंशंस डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंड शुड रन द हैजर्ड ऑफ दिस शॉकिंग पेनल्टी फॉर हिज सेक जी एंटोनियो साइनियो नहीं चाहता कि यार मेरे लिए मेरा दोस्त जो है ना अपनी जान को रिस्क पे रखे मीन बसानियो डजंट वांट एंटोनियो टू साइन दैट बॉन्ड बट व्हाट एंटोनियो सेड ही सेड दैट मीन इट विल बी अ स्पोर्ट जस्ट ये कहता है ये तो एक छोटी सी गेम है यार उसमें कुछ भी नहीं है मेरी शिप्स वापस आ जाएंगी एंड आई विल पे हिम बैक Antonio signed the thinking it really was as ये पढ़े ना Antonio signed the bond so finally उसने sign कर दिया Antonio ने bond पर sign कर दिया clear yes sir उसने भी अपनी जान उस risk पे रख दी अब यार एक pound गोश काटना है और उसने कहा था कि जहां से मैं चाहूंगा वहां से मैं कट करूंगा एक pound flesh one pound flesh So, हो सकता है कि ऐसी जगह से काटे कि वो मारी जाए एंथोनियो सो इट मींस कि उसकी जान अब खतरे में है okay, आगे चलें जी सर बहुत नहीं है सर आज के लिए इतना नहीं नहीं आगे तो चलो ना यार इस पैराग्राफ को खत्म करो अच्छा थिंकिंग इट रियली वाज एज द ज्यू सेड मेरली इन स्पोर्ट कहता है यार ये एक छोटा सा खेल है जो हम खुशी खुशी में खेल लेंगे बस उसने वो जो ना शर्त रख दी वो जो पेनल्टी है वो मुख्तस कर दी इसमें क्या है मेरी शिप्स आ जाएंगी मैं वापस कर दूंगा क्लियर यस सर बच्चे ये बहुत थोड़ा हो रहा है ना इतना तो फिर वो दो हफ्ते भी खत्म नहीं होगा ये सर टाइम भी तो हो गया सर हाँ टाइम हो गया चलें जी यहाँ तक आप जो है ना निशान लगा देते हैं तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह और सबको कहें कि यार सब लोग यहाँ पे आए सर एक एक बच्चे का इजाफा और है ना कहाँ वो जो है ना उम्र तो जा चुकी है यस सर दो या तीन बच्चे होते क्लास में तो चले दो तीन हो लेकिन औरों को भी कहें कि वो भी आए जरा क्लास लें कुछ सुन लें टीचर को सो मे बी दे विल हैव ऑल द स्टोरी इन देयर माइंड्स को आता होगा सर पता नहीं क्यों नहीं आया क्या कहां आता होगा मुझे नहीं लगता वो आए तो मैं उनसे पूछूं तब मुझे भी एहसास हो दैट दे नो द स्टोरी पता नहीं क्यों आ चले बच्चो कल जो है ना कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ऑनलाइन ही तो तब तक अल्लाह हाफिज़
अल्लाह हाफिज़। ओके, टेक केयर।